हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ जीके का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी को यूथनेशिया के बारे में पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आने वाले 10 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि कल के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट थी, फ्रंट लाइन की न्यूज़पेपर के हेडलाइंस थी और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया है जो कि है पैसिव यूथनेशिया को लेकर। तो काफ़ी देश में बच्चों को पता नहीं होगा यूथनेशिया होती क्या है, किस तरीके से ये वर्डिक्ट आया है, क्यों आया है, क्या कारण था और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा जो कि आपकी लाइफ में और एग्ज़ाम में दोनों में बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम जानने वाले हैं यूथनेशिया होता क्या है। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ यूथनेशिया होता क्या है, तो आपने इच्छा मृत्यु के बारे में सुना होगा। ओके, अगर आपने इच्छा मृत्यु के बारे में सुना होगा, अगर आपने गुजारिश मूवी देखी है, ठीक है, गुजारिश मूवी संजय लीला भंसाली की मूवी बनाई हुई थी जिसके अंदर ऋतिक रोशन ने अभिनय किया था, तो उसके अंदर इच्छा मृत्यु के बारे में बात करी गई थी। अगर कोई पर्सन अपनी सफरिंग को या फिर पेन को दूर करने के लिए मांग करता है किस चीज़ की, मौत की, मृत्यु की, तो हम उसको क्या कहते हैं, यूथनेशिया कहते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु कहते हैं। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या हुआ कि मेरी इच्छा से अगर मृत्यु मुझे दी जा रही है तो उसको मैं यूथनेशिया कहूँगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सबसे पहले आपको ये समझनी है यूथनेशिया क्या है। एक प्रैक्टिस है जिसमें इंटेंशनली खुद की इच्छा से एंड कर सकता है कोई इंसान खुद का पेन और सफरिंग। अगर कोई पर्सन कई सालों से वेंटिलेटर के ऊपर है, कई सालों से अगर वो बहुत दुख में है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, उसके जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता, ना ही खुद के लिए ना ही किसी और के लिए। तो अगर वो पर्सन बोलता है कि मुझे मौत चाहिए कोर्ट से और मुझे मेरी इच्छा से चाहिए, तो उसको यूथनेशिया कहते हैं। कई सारे देशों के अंदर ये लीगल है, कई सारे देशों में ये इलीगल है, हमारे देश में भी था इलीगल, लेकिन कल जो एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अब ये पैसिव यूथनेशिया क्या है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि दो तरीके की यूथनेशिया होती है, इच्छा मृत्यु दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो एंड करना चाहता है, जीवन को ख़त्म करना चाहता है, तो डॉक्टर या फिर बाकी टीम उसको कोई भी मेडिकेशन दे के, मेडिसिन दे के या फिर कोई भी दूसरे तरीके से उसको, उसकी लाइफ को एंड करती है। यानी कि अगर कोई दूसरा उसको कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई इंजेक्शन दे रहा है, कोई भी एक्टिविटी के थ्रू उसकी जीवन को अंत कर रहा है, तो उसको हम एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं, जो कि हमारे देश में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अलाउ किया है, पैसिव यूथनेशिया। अब पैसिव की बात करूँ मैं, तो पैसिव का क्या है कि अगर कोई पर्सन, वापस से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर कोई पर्सन मेडिकल की मदद से अपने जीवन व्यापन कर रहा है, यानी कि जैसे कि आईसीयू में है, वेंटिलेटर के ऊपर है, कई सालों से वेंटिलेटर के ऊपर है, और यानी कि कुल मिला के साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, डॉक्टर की मदद से अगर वो जिंदा है, तो पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, जो उसकी मदद होती ना वो छीन ली जाती है, वो वापस ले ली जाती है। अगर आईसीयू में भर्ती कर, अगर आप वेंटिलेटर के ऊपर है तो वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा, आपका ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा अगर आपको लगा रखा है, तो कुल मिला के जो मेडिकल एड है ना, जो मेडिकल की फैसिलिटी, वो आपसे ले ली जाएगी। उसके बाद में आपकी बॉडी चाहे मरे चाहे जिए या कुछ भी होए, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप जी नहीं पा रहे हो इसीलिए तो आपने ये सब साइंस का सहारा लेके आप जी रहे हो, अगर उसके अंदर वो हटा दी जाती है, तब उसको हम कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। सिंपल सा डिफरेंस है, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिव यूथनेशिया वो है जब कोई पर्सन आगे होके, कोई डॉक्टर आगे होके किसी मरीज की जान ले ले, ठीक है, उसकी लाइफ एंड कर दे। लेकिन जो पैसिव यूथनेशिया है उसमें उसको कुछ दिया नहीं जाता है, उसकी जो मेडिकल हेल्प है ना उसको हटा दी जाती है, ठीक है, उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है उसकी इच्छा से, तो उसको पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। सबसे पहली चीज जो कि आपको समझनी थी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ यूथनेशिया, कितने प्रकार की यूथनेशिया होती है। देखिए, हर देश के अंदर वैसे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस अलग होती है, लेकिन अगर मैं इसको फिर भी कैटेगराइज करूँ तो तीन कैटेगरी के अंदर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया, एक इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया और एक फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। अब देखिए, वॉलेंट्री में क्या होगा, अगर कोई फिजिशियन कोई मेडिकेशन देता है
जैसे कि उसकी लाइफ को शांत रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए सीडेटिव है या न्यूरो मस्कुलर रिलैक्सेंट है, जिससे उसकी जीवन अंत का उसका जीवन का अंत हो सकता है उसकी इच्छा से, तो उसको हम वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को मना कर रखा है, कोई एक्स नाम का इंजेक्शन है जो कि उसको देने के लिए मना कर रखा है, लेकिन उस एक्स इंजेक्शन से उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, लेकिन उसकी जान को भी खतरा रहता है। तो पेशेंट बोलता है कि भाई मुझे तो रिलीफ चाहिए, मेरे को जान की परवाह नहीं है, आप मुझे जान से मार सकते हैं, मेरी खुद की इच्छा है, ठीक है, मैं मेरी लाइफ को एंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये इंजेक्शन दे दीजिए, ये सिडेटिव या फिर रिलैक्सेंट मुझे दे दीजिए। तो ये क्या है, वॉलेंट्री एक्टिव है यूथनेशिया, यानी कि आपने वॉलेंट्री बोल दिया है कि मुझे दे दो वो इंजेक्शन जो कि मेरी जान को खतरा होता है जिससे, लेकिन मुझे फायदा हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तो इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट की रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती है, इसमें पेशेंट की रिक्वेस्ट नहीं होती है। अगर फिजिशियन को लगता है कि अभी इसका जीवन का कोई महत्व नहीं रहा है, पर्सन की लाइफ को एंड कर देना चाहिए, लेकिन उसमें पेशेंट की रिक्वेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो उसको इनवॉलेंट्री या फिर नॉन वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं, जैसे कि नीदरलैंड के अंदर होता है, नीदरलैंड के अंदर ऐसा ही होता है। तीसरा होता है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, ठीक है, अगर कोई फिजिशियन मेडिकेशन प्रोवाइड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से पेशेंट को पता है सब कुछ कि भाई मेरी लाइफ को क्या खतरा है, मेरी लाइफ एंड हो सकती है, क्लियरली उसने मेंशन करा है कि मुझे तो ये दे दो और मेरी जान खत्म हो जाए, उसमें उसके रिलैक्स होने का या फिर उसको पसंद होने का कोई मैटर नहीं करता है। इसके अंदर तो वॉलेंट्री के अंदर तो कुछ ऐसे इंजेक्शन या मेडिकेशन दिए जा रहे थे जो कि उसको रिलैक्स फील करवाते हैं, थोड़ा टाइम तक के लिए मदद करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो उसने बोला पेशेंट ने कि भाई मुझे तो जाना है, मुझे नहीं रहना है, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मेरी हालत वैसे ही आपको पता है, 10 साल से मैं बेड पे हूँ, तो क्या कहूँगा, सीधे आप डायरेक्टली आपको मेडिकेशन दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी और आपके जीवन का अंत कर दिया जाएगा, जैसे कि जर्मनी के अंदर होता है। तो ये तीन फॉर्म होती है यूथनेशिया की जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं थोड़े से इतिहास के अंदर, देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री भारत के अंदर कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से भारत के अंदर बातचीत होती है। 1973 के अंदर एक क्या हुआ, KEM हॉस्पिटल की एक नर्स थी अरुणा, अरुणा को एक वहाँ के वार्ड बॉय ने सेक्सुअली असॉल्ट किया, और जब उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया ना, तो स्ट्रगल के बाद में उनके काफ़ी इंजरी हो गई अरुणा जी के, और उसके बाद में उनकी लाइफ काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक, ठीक है, वो कोमा में रही और काफ़ी टाइम तक उनको बेड के ऊपर रहना पड़ा। 1973 के अंदर ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 2009 के अंदर जर्नलिस्ट थी एक पिंकी पिंकी वीरानी, उन्होंने एक किताब लिखी शैनबॉग के ऊपर, अरुणा के ऊपर, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करी एक पैटिशन पैसिव यूथनेशिया को लेकर, कि भाई पैसिव यूथनेशिया की जो इनकी मेडिकल हेल्प है, वो मेडिकल एड जो है ना, सहूलियत दे रखी है, उसको हटा के इनकी जान को ख़त्म कर दो, क्योंकि 73 से आप देख सकते हैं 2009 आ चुका है, कितने साल हो चुके हैं, ठीक है, 23 साल, 23 साल भी नहीं, 33 साल, 32 साल हो चुके हैं, 32 साल से एक एक दो लोगों की मदद की वजह से वो पूरी की पूरी जीवन अपना बेड के ऊपर बिता रही है। तो इनसे पिंकी जी से देखा नहीं किया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दायर करी, और उस टाइम पे उनके ट्रीटमेंट को लेके बात करी। 2011 में हालांकि उन्होंने जो अरुणा है उनको अपनी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया पैसिव यूथनेशिया को लेकर, कि इसको तो अलाउ कर सकते हैं एक बार, लेकिन हम जो किलिंग है, यानी कि अभी जो शैनबॉग अरुणा जी का केस है, उसको हम टर्न डाउन करते हैं, उनकी मर्सिंग किलिंग को हम अलाउ नहीं करते हैं। तो मर्सिंग किलिंग को उनको कैंसिल आउट कर दिया। 2013 के अंदर उन्हें शिफ्ट किया गया ICU के अंदर, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा निमोनिया हो गया था, और आखिरी के अंदर, ठीक है, आखिरी के अंदर 2015 के अंदर ICU के अंदर उनको कार्डिक अरेस्ट आने की वजह से उनकी डेथ हो गई, 5 दिन ICU के अंदर बिताने के बाद में। तो आप देख सकते हैं कि 1973 से लेकर 2013 2015 तक कितना बड़ा स्ट्रगल उन्होंने किसी और की वजह से किया, एक वार्ड बॉय की गलती की वजह से, हीनियस क्राइम की वजह से उनको इतने साल तक सहना पड़ा, और इतने साल तक उन्होंने बेड पे अपना जीवन बिताया। तो बहुत लंबा स्ट्रगल उनका रहा ही है। उसके बाद में डिबेट देश में छिड़ गई कि क्या अगर ऐसा कोई केस होता है तो क्या उसको इच्छा मृत्यु भी नहीं मिलनी चाहिए, जब वो पर्सन खुद ही इतना परेशान हो रहा है, खुद ही अपनी इच्छा से मौत मांग रहा है, तो उसको रिलीफ दे देना चाहिए। इसके बाद में महाराष्ट्र के एक एक बुजुर्ग दंपत्ति है, उन्होंने भी पेटिशन लगाई, जो कि 80 साल के आसपास है, उनका कोई बच्चे नहीं है, तो उन्होंने भी ये बोला और पेटिशन लगाई कि हमें भी पैसिव यूथनेशिया बाद में दे दी जाए, और अगर पॉसिबल हो तो एक्टिव भी दे दी जाए, क्योंकि
क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था और अभी तो वो चल फिर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों में से अगर एक को भी कुछ हो जाता है तो हमारा जीने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, हमें कोई मदद नहीं करेगा और हम किसी और की मदद चाहते भी नहीं है। क्योंकि माने या ना माने, लोगों के लिए आज की सोसाइटी के अंदर जो ये सेवा नाम, जब जो हमारे लिए जो एक सेवा होती है वो लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो चाहते नहीं थे कि वो किसी की मदद ले। तो इसीलिए उन्होंने एक्टिवली अभी अपने विल के अंदर अपने एक, उन्होंने पहले ही इसको क्लैरिफाई कर दिया था। तो ऐसे केसेस देश के अंदर आने लगे, उठने लगे, उसके बाद में इसके ऊपर बातचीत करी गई। तो उम्मीद है कि आप भारत के इतिहास के अंदर यूथनेशिया का कहाँ से स्टार्ट हुआ ये तो समझ गए होंगे, अरुणा जी से ये स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा दुनिया के बारे में भी जान लेते हैं। नीदरलैंड की बात करो तो दुनिया में सबसे पहला देश है नीदरलैंड, जिसने 2002 के अंदर पहला देश बना जिसने यूथनेशिया को लीगल कर दिया और सुसाइड को क्या कर दिया, मदद करने का काम कर दिया, हेल्प कर दिया, सुसाइड को असिस्ट कर दिया। ठीक है, हमारे देश में आपको पता है ना सुसाइड करना भी एक क्राइम है, तो वहाँ पे नीदरलैंड में इसको लीगलाइज कर दिया गया। यूएसए के अंदर क्या है, डॉक्टर अलाउ करते हैं। ठीक है, अगर 5 स्टेट के अंदर ऐसा है जहाँ पे यूथनेशिया अलाउ है, जहाँ पे डॉक्टर्स देखते हैं, और बाकी स्टेट्स के अंदर यूथनेशिया अलाउ नहीं है, इलीगल है। जर्मनी के अंदर फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड है, फिजिशियन मदद करेगा वो तो लीगल है। ठीक है, और जो ड्रग है वो पेशेंट को खुद ही लेना पड़ता है। साउथ कोरिया की बात करें, 2018 के अंदर डाई वेल नाम का लॉ है वहाँ पे पास कर दिया गया, और वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को, लाइफ के ट्रीटमेंट को। अगर राइट टू लाइफ मेरा है, मेरा अधिकार है, तो राइट टू डाई भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है। दोनों ही आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ, मेरा जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार मुझे ही होना चाहिए, अगर ऐसी कंडीशन जीवन में आ जाती है तो। अब इसके कई सारे प्रॉन्स और कॉन्स मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे इसके ऊपर डिबेट हुई। प्रॉन्स की बात अगर मैं बात करूँ, एडवांटेजेस की, तो होगा क्या, इससे इंसान अपनी सफरिंग को दूर कर सकता है जल्दी। इक्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि कई सारे का जीवन ऐसा होता है कि 50-60 साल तक तो बहुत अच्छा जीवन होता है, लेकिन जो उनका बुढ़ापा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो अगर वो यूथनेशिया एक्सेप्ट होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ जो कि डेंजर, ठीक है, कि जो लोगों को एक बहुत ही डर होता है ओल्ड एज का, वो ओल्ड एज का डर है जो कि समाप्त हो जाएगा सोसाइटी में से। अगर मैं इसके कॉन्स की, नुकसान की बात करूँ, तो एक लार्ज सेक्शन होगा सोसाइटी का, लार्ज सेक्शन होगा सोसाइटी का जो कि इसको मिसयूज़ करेगा। किसी के भी छोटी सी दिक्कत हुई नहीं और उसने यूथनेशिया को अप्लाई किया नहीं, क्योंकि जीवन में सभी के स्ट्रगल आते हैं, सभी के बुरे दिन आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने जीवन को अंत कर लो। तो कुल मिला के एक सख्त इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है कि अगर आपके जीवन ऐसी कंडीशन में आ गया है कि ना तो कोई डॉक्टर, ना ही कोई आप खुद, ना ही कोई साइंस आपके मदद कर सकती है, तभी इसको यूज़ किया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपने देश के अंदर, अगर इसको, अगर जैसे कि अगर ये लोगों में कॉमन हो जाता है, तो जैसे कि अभी पैसिव यूथनेशिया तो हो ही जाएगी कुछ टाइम में। ठीक है, तो मिसयूज सबसे बड़ा है। दूसरा रिलीजन मैटर, कॉन्स की बात करो तो रिलीजन मैटर, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जन्म और मरना दोनों भगवान के हाथ में है, तो रिलीजन के उनके कहने के इंटरफेरेंस होती है, तो ये भी एक मुद्दा जो कि सामने आएगा। इसके अलावा ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि कॉन्स हैं, और प्रॉन्स भी मैंने आपको बता दिए, तो उम्मीद है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आप इसके समझ गए होंगे। इसके अलावा कई सारे देशों में टोटली यूथनेशिया इलीगल है, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, यहाँ पे टोटली किसी भी प्रकार का, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, दोनों ही अलाउ नहीं है। हमारे देश के अंदर अभी रिसेंटली कल क्या हुआ कि परसों के दिन क्या हुआ, हमारे 5 जजेस की जो बेंच थी, 5 जजेस की जो बेंच थी वो बैठी, जिसमें दीपक मिश्रा जी जो हमारे CJI है उनकी, वो उन्होंने हेड करी थी, तो 4:1 से इसको पास कर दिया गया। ठीक है, अलाउ कर दिया गया कि, और कई सारे डायरेक्टिव भी दी गए कि कैसे हो सकता है, हु कैन मेक इट, कौन कर सकता है इसको। करने वाला जो पर्सन होगा वो अडल्ट होना चाहिए, जिसका साउंड हेल्थ और माइंड ही हो, ऐसा नहीं कि डॉक्टर है या फिर जो फिजिशियन है उसके खुद के हालात बड़े ख़राब हैं। शुड बी वॉलेंट्री एग्जीक्यूटेड, वॉलेंट्रीली उसकी इच्छा से उसको एग्जीक्यूशन मिल सकता है। ठीक है, क्लियर और बिल्कुल अनएम्बिगुअस टर्म, बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए उसकी इच्छा, कहीं पे भी उसके अंदर कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। विल की बात करें, ठीक है, तो कंटेंट ऑफ विल, उसके सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे, उसके बाद में स्पेसिफाई किया जाएगा जो टाइम है उसका, गार्जियन के बारे में पूछा जाएगा, नेम ऑफ द गार्जियन, क्लोज रिलेटिव जो कि उसको मदद करेंगे अगर वो ऐसा कोई डिसीजन ले रहा है तो। प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 विटनेस ले सकते हैं प्रॉबेबली, और उसके ऊपर साइन किसके होंगे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उसके ऊपर साइन होंगे।
ठीक है, मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एक हार्ड कॉपी अपने पास रखेंगे, सॉफ्ट कॉपी को आगे फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रजिस्ट्री करवाने को लेकर। उसके बाद में इसके लीगल जो लोकल गवर्नमेंट है ऑफिशियल्स है वो सब नॉमिनेट करेंगे कस्टडियन उसकी विल को। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाने की बात करी गई है इसके अंदर, और तब जाके ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर यूथनेशिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और उम्मीद है कि फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आते फ्रेंड्स, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि देश के कोने कोने तक जो जनरल नॉलेज है ठीक है वो पहुँचे। देखिए फ्रेंड्स, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सब कुछ है, इसीलिए इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपका क्या विचार है यूथनेशिया पे वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या विचार है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन आपके क्या विचार है वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये जो वर्डिक्ट है वो क्या इसके अंदर सही लगा और क्या गलत लगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।